कमाल की अदला बदली। अरे नहीं, मैं फिर से लेट उठा। मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। बहुत उठाने की कोशिश की। आज ओहो, अब बस भी करो रोबिता। से पहले अपना होमवर्क कर लो, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम तो मत बोलो डोरेमोन, तुम बस जब देखो खेलते रहते हो, खाते रहते हो, कोई काम भी करते हो। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कितने सारे काम होते हैं तुम्हें पता है? हर दिन मुझे स्कूल जाना होता है, होमवर्क करना होता है, अपने दोस्तों से मिलना होता है, घर को संभालना होता है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ तब जाके मुझे पॉकेट मनी मिलती है, तुम्हें नहीं पता डोरेमोन? नोबिता होना कितना मुश्किल है, तुम्हारी जिंदगी आसान है, बस आराम करते रहो। मुझे भी बहुत सारे काम करने होते हैं, समझे? काश मैं डोरेमोन ही होता। क्या तुम सच में मेरे जैसे बनना चाहते हो? इसकी मदद से मैं तुम बन सकता हूँ और तुम मैं। अदला बदली कर लेंगे, तुम्हारा मतलब तुम मेरी जगह और मैं तुम्हारी जगह। सही। मुझे सोचकर अजीब लग रहा है। जल्दी बताओ, करना है या नहीं? हाँ, करना चाहता हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं। हो गया, अदला बदली पूरी हो गई। अब तुम हो डोरेमोन और मैं हूँ नोबिता। क्या कुछ भी तो नहीं बदला है, मुझे देखो। फिक्र मत करो, बस कुछ देर इंतजार करो। नोबिता, क्या हुआ मॉम? हाँ? मैंने डोरेमोन नहीं कहा, मैंने कहा नोबिता। हाँ? मैं डोरेमोन? हाँ, तुम डोरेमोन हो ना? देखा, ये तो सच हो गया। नोबिता, तुम सुबह सुबह क्या सपने देख रहे हो? स्कूल जाना नहीं है? मैं स्कूल के लिए लेट हो गया। जल्दी 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 जल्दी। हाँ? अब वक्त है आराम करने का। मैं नोबिता की तरह थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। नोबिता! जी सर। तुम्हारी क्लास बहुत पहले शुरू हो चुकी है, समझे? मुझे माफ कर दीजिए। हर एक दिन तुम ऐसा ही करते हो, क्या तुम सच में शर्मिंदा हो? जी बिल्कुल सर, अब से ऐसा कभी नहीं होगा। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब ऐसा करो, मुझे अपना होमवर्क दिखाओ। वो तो मैंने नहीं किया। नोबिता! ये तो बस एक बिल्ली है। म्याँ, म्याँ। अगर तुम डोरेमोन को यहाँ पर ढूंढ रहे हो तो वो यहाँ पर नहीं है, समझे? अरे याद आया, डोरेमोन तो मैं ही हूँ। हाँ? मुझे बिल्लियों की भाषा आती है। अरे क्या कर रहे हो? लड़ाई बंद करो जल्दी से, रुक जाओ। तो सुनियो, इस सवाल का जवाब बताओ। मुझे नहीं पता सर। जियान, तुम बताओ। मुझे नहीं पता सर। हाँ। चलो नोबिता, तुम बताओ। जवाब है 3-2/3। ये तो गैस लग रहा है। तुमने एकदम सही बताया। नोबिता रुक जाओ, रुक जाओ, तुम नहीं बचोगे, रुक जाओ। आखिरकार सोने का टाइम हो ही गया। डोरेमोन, तुम्हें बार बार परेशान करना मुझे अच्छा नहीं लगता, पर क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? तुम बहुत ही अच्छे हो, क्या तुम मेरे कपड़े धो सकते हो? उसके बाद बाथटब भी साफ कर देना, और गार्डन भी, और छत से भी पानी टपक रहा है वो भी ठीक कर देना। सब बहुत हो चुका, मैं पूरी तरह थक गया हूँ। मैं घर आ गया, मैं खेलने जा रहा हूँ। जरा रुको, पहले जाकर अपना होमवर्क करो, उसके बाद ही तुम खेलने जा सकते हो, नोबिता, समझ गए? ओ, बस भी करो, क्या तुम्हें लगता है कि नोबिता ऐसा कभी करता? शायद तुम सही कह रहे हो, बाद में मिलते हैं। अरे नोबिता! ओ हाँ, तुम मेरे गैजेट्स का आज अच्छे से ध्यान रखना डोरेमोन। अरे नहीं, अगर मुझे ये सब पॉलिश करना पड़ेगा तो पूरा दिन गुजर जाएगा। अरे रुको! मैं घर आ गया।
नोबिता, आज तुम बहुत देर तक बाहर थे, और जरा इसे देखो, ये मुझे तुम्हारे बैग से मिला है, इसका क्या मतलब है बताओ? वो मॉम, मैं। तो कैसा रहा? नोबिता बनना इतना आसान नहीं है ना? पहले तुम बताओ, क्या डोरेमोन बनना तुम्हारे लिए आसान है? है ना, बहुत आसान है। तो नोबिता बनना भी बहुत आसान है। बेसबॉल गेम में तुम मुझे भी खिलाओगे ना? नहीं, मैं किसी भी हालत में नोबिता को नहीं खेलने दूंगा। लेकिन क्यों जियान, मेरा खेलने का बहुत मन है। क्योंकि तुम्हें बेसबॉल खेलना बिल्कुल नहीं आता है, समझे? अगर खेलते भी हो तो गलतियों की वजह से हार जाओगे। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ये भी तो हो सकता है कि मैं होम रन मारूं। क्या कहा नोबिता? होम रन मारोगे? हाँ नोबिता होम रन मारेगा। क्या मजाक है। बहुत हुआ, मैं भी अच्छा खेल सकता हूँ, समझे तुम? नोबिता, अगर तुम्हें अपने आप पर इतना भरोसा है तो तुम हमारे साथ खेल सकते हो, लेकिन अगर तुमने होम रन नहीं मारा तो हम तुम्हें मजा चखाएंगे, समझे? बिल्कुल ठीक कहा सुनियो ने। सुनो नोबिता, एक बात बताओ, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? बोलो। शिजुका, तुम जानती नहीं हो, मैं भी अच्छा खेल सकता हूँ। ये नामुमकिन है, होम रन बनाना नामुमकिन है। मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी है। कुछ भी कर लो, होम रन नहीं बना सकते। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। कभी नहीं, तुम इस वक्त नोबिता हो आखिरकार। मुकाबला बहुत कांटे का है, देखते हैं दोनों टीम्स में से कौन सी टीम जीतती है। आज का खेल बहुत ही दिलचस्प है, खिलाड़ी जोश में हैं और दोनों टीम्स के स्कोर्स भी टाई हो गए हैं। मुझे लग रहा है दोस्तों, आज तो हम जीत के ही घर जाएंगे। हे हे। अरे सुनो, तुम्हारे शू लेसेस खुले हुए हैं। क्या? मुझे चोट लग गई, अब मैं नहीं खेल पाऊंगा। मैं सबको दिखा दूंगा। अरे नहीं, ये मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। मैं कर भी क्या सकता हूँ, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। आ जाओ, तुम अगले हो नोबिता। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, मैं भी अच्छे से खेल सकता हूँ। मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं ये कर सकता हूँ। ये होम रन बनाएगा मुझे नहीं लगता। मैं तैयार हूँ। ये लो। क्या बात है, भागो! नोबिता तुम कर सकते हो। बहुत बढ़िया नोबिता। जाओ नोबिता। बहुत अच्छे नोबिता, क्या बात है, तुमने कर दिखाया नोबिता। तुमने कमाल कर दिया। हाँ, और अब मैं थक गया हूँ, मुझे जाकर अपना होमवर्क करना चाहिए, वरना मुझे कल फिर से डांट पड़ेगी। मैं भी ये सब कर सकता हूँ। तुम्हें एक बात बताऊँ, डोरेमोन होना बहुत मुश्किल है। जब मैं बना तब मुझे पता चला कि तुम्हें कितना काम करना पड़ता है। मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, नोबिता बनना भी कोई आसान काम नहीं है। हम दोनों की जिंदगी बहुत मुश्किल है, फिर से मुझे नोबिता बना दो। तुमने सही कहा, हम वापस अदला बदली कर ले, तुम फिर से नोबिता बन जाओ और मैं डोरेमोन। हाँ। नोबिता। हाँ? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। पर मैंने उतना अच्छा भी नहीं खेला। सुनो नोबिता, तुम भी ना शिजुका, मैंने तुम्हारे लिए कुकीज बनाई है। हाँ? जानती हूँ तुम्हें ये बहुत पसंद आएंगी। तुम्हारा शुक्रिया,
लेकिन सच कहूँ तो इसकी जरूरत नहीं थी। ऐसा नहीं है नोबिता, तुमने ये साबित कर दिया है नोबिता कि कोई भी काम कभी भी नामुमकिन नहीं होता। अच्छा बाय, तो मैं चलती हूँ। हाँ डोरेमोन, मुझे भी दो ना। डोरेमोन मुझे नोबिता वापस बना दो ना। नोबिता तुम्हें अचानक क्या हो गया? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। एक स्वीट फार्म। चॉकलेट खाकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा मेरी प्यारी चॉकलेट। लेकिन अगर तुम्हें खाऊंगा तो तुम्हें अलविदा कहना ही पड़ेगा। आखिर ऐसा क्यों? कुछ भी मीठा खाने के बाद गायब हो जाता है। अरे ये क्या बात हुई, तुम्हें इतने आसान से सवाल का जवाब भी नहीं पता नोबिता। लेकिन समझ में नहीं आता ऐसा क्यों होता है। अरे वाह, काश ऐसी चॉकलेट होती जो खाने के बाद भी गायब नहीं होती। ठीक है तो कोशिश करके देखते हैं। क्या कहा तुमने? इसकी मदद से हम चॉकलेट उगाएंगे। क्या बात कर रहे हो, चॉकलेट उगाई नहीं जाती, उसके लिए पैसे दिए जाते हैं। मैं चाहता हूँ, जैसे फार्म में एक गाय को बड़ा किया जाता है वैसे ही हम चॉकलेट को पालेंगे। हम चॉकलेट को ये खिलाएंगे और फिर वो बढ़ती जाएगी जिससे हम जितनी चाहे उतनी चॉकलेट खा सकते हैं नोबिता। ये तो शानदार है। तो फिर चॉकलेट को यहाँ पर रख दो। इसे बस यहाँ पर रखना होगा। अरे वाह, ये तो घास खा रही है। आवाजें आ रही हैं, बिल्कुल गाय की तरह। हमने क्या दिखाया? लेकिन सिर्फ एक चॉकलेट से तो ये बढ़ नहीं सकती ना, बोलो। एक मिनट रुको, मैं अपनी चॉकलेट भी ले लेता हूँ। हाँ, तुमने इसे छुपा कर रखा था डोरेमोन? लगता है दोनों चॉकलेट्स की दोस्ती हो गई है। ये लो, अगर ये खत्म हो जाए तो और डाल देना। ठीक है। ये! मुझे इनके बढ़ने का इंतजार नहीं हो रहा। क्या तुम जानती हो शिजुका, जब मेरी चिरू चिरू छोटी थी तो बहुत क्यूट दिखती थी। और जानती हो जब मेरी पिको छोटी थी तब वो कितनी क्यूट थी। मैं सच बोलूं तो मेरी चॉकलेट इन सबसे ज्यादा क्यूट है। हाँ? क्या नोबिता, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? सच कह रहा हूँ। तुम बहुत मजाक करते हो सुनियो। बस रुको और देखते जाओ, मैं साबित करके दिखाऊंगा। अरे क्या हुआ, इतने आलसी क्यों लग रहे हो? नोबिता मैं आ गया। मैंने तुमसे कहा था ना इसे खत्म मत होने देना। अच्छा हुआ कि मैं वक्त पर आ गया, नहीं तो तुम जानते भी हो नोबिता, ये एक घंटे के अंदर वापस नॉर्मल चॉकलेट बन सकती थी। तुम कभी कोई काम ढंग से क्यों नहीं करती? मैं इस बात का ध्यान रखूंगा डोरेमोन। स्वीट्स ग्रास खिलाने का वक्त हो गया। हाँ ठीक है। नोबिता चलो उठो। गया है। उठ जाओ। ये तो बहुत बड़ी परेशानी है। अगर इनका ख्याल नहीं रख सकते तो इन्हें पालना भी नहीं चाहिए। क्या मैं सो नहीं सकता? मुझे कल पूरा दिन नींद आएगी, मुझे डर है मैं क्लासरूम में ना सो जाऊं। हाँ वैसे ये भी सही बात है नोबिता। हाँ चलो हम एक काम करते हैं। इधर आओ, इधर आओ। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? चलो अभी पता चल जाएगा। ये तो बिल्कुल असली फार्म जैसा है। सुनो क्या तुम्हें लगता है इन्हें कोई चुरा कर ले जा सकता है?
तुम सही कह रहे हो नोबिता, ऐसा भी हो सकता है, पर ऐसा कोई भी नहीं सोचेगा कि वहाँ चॉकलेट मिल सकती है, इसलिए फिक्र मत करो। ये बात भी सही है। क्या हुआ नोबिता? वो चॉकलेट है ना शिज़ुका। नोबिता जल्दी चलो, शिज़ुका तुम भी चलो, चलो जल्दी चलो तुम दोनों। अरे ये तो बहुत सारे हो गए। अच्छा तो तुम इन बेबी चॉकलेट्स के बारे में बोल रहे थे? अरे वाह, इन बेबी चॉकलेट्स को तो देखो कितनी क्यूट लग रही हैं। अगर बारिश होने लगे तो पेड़ के नीचे आ जाना ठीक है, अगर भीग गए तो ठंड लग जाएगी। हाँ? हे, तुम ये क्या कर रहे हो? नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, बताना। क्या तुम लोग कुछ छुपा रहे हो दोस्तों? बताओ ना, छुपाओ मत, बताओ बताओ। बहुत ढूंढा पर हमें तो कुछ भी नहीं मिला। सारी चॉकलेट्स छुप गई हैं। अभी तो हम बच गए। नोबिता तुम उन्हें नहीं बताओगे? नहीं नहीं, उन्हें नहीं बता सकते, अगर उन्हें पता चल जाएगा तो वो सारी चॉकलेट्स खा जाएंगे। इन्हें हमें और बढ़ाना है अभी। ऐसा है क्या? काश ये चॉकलेट्स कभी खत्म ना हो। आज का स्नैक है केक, इन्हें ग्रास के साथ बढ़ा सकते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और हाँ नोबिता, इनका ख्याल रखना मत भूलना। ये लो तुम्हारे लिए। मैं और सीड्स डाल देता हूँ। सारी तरह की मीठी चीजें आ गई हैं। लगता है अब हमें स्वीट शॉप खोलनी चाहिए। यहाँ पर सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है, ये नज़ारा बहुत ही सुंदर है। मुझे मीठी चीजें बहुत पसंद हैं। लगता है हम मिठाई वाले बन गए हैं। मुझे पता है, वो जरूर कुछ छुपा रहे हैं जियान। ऐसा है तो हमें अच्छे से छानबीन करनी चाहिए। हाँ। वो मेरे सामने है। अरे ये क्या है? अरे मैंने तो सोचा था कि ये ग्रास हॉपर है। अरे ये तो काफी बड़ा लगता है। अरे ये देखो, यहाँ तो और भी है। अरे बहुत सारे। पकड़ लिया। आज का स्नैक है क्रीम पफ। चलो चलते हैं। अरे बहुत कम लग रहे हैं। क्या हो गया डोरेमोन? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने मिठाई के अचार? हमने उन्हें बाल पोंछ कर बड़ा किया था। मुझे यकीन है कि चोर वापस जरूर आएंगे। नोबिता चलो, अब हमें घर चलना चाहिए। नहीं, मैं यही रहकर इनकी रक्षा करूंगा। तुम्हें मॉम से डांट पड़ेगी। लेकिन अगर वो रात को चुराने आए तो हम क्या करेंगे? पता है, मुझे लगता है हमें एक चौकीदार की जरूरत है जो चोरों को दूर भगा सके। नोबिता, स्वीट्स जो वॉचडॉग का काम करेगी? मुझे यकीन है ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे पास एक आइडिया है। हे जियान। हाँ चलो चलें। सुनियो, आराम से चलो।
वो देखो वो रहे, उन्हें भागने मत देना। अरे वाह, ये तो हाथ लग रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? हे रुक जाओ, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे कहाँ गए वो? कहाँ गए? अरे ये तो एक बहुत बड़ी च्युइंग गम है। हाँ, जितनी बड़ी उतनी स्वादिष्ट भी। अरे छोड़ दो, मुझे अभी उनकी फिक्र हो रही है। ये क्या हो रहा है? काश वहाँ पर सब कुछ ठीक हो। अरे हमें बचा, ये क्या है? ये च्युइंग गम हमें खा रही है जबकि हमें इसे खाना चाहिए। तो दोस्तों, इसी तरह कहानी के अंत में दोनों चोर पकड़े गए और वो हमेशा की तरह हंसी खुशी रहने लगे। उधर